काट भी ले तो आप घबराए ना। उसके दांत तोड़ रखे हैं, जुबारी तोड़ रखी होनी। दूर रह बात कर उसको मेरू स्वागत आपका। और अभी आप पहुंच चुके हैं दिंगतानिया गाँव में, जो कि रामेश्वर गोदारा का जो कि यहाँ नोरा बना हुआ है। तो इस घर के अंदर क्योंकि एक मॉनिटर लीजर देखी गई है, तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं काम मिलती है। टोर्च निकालो क्या रखा है इसे, तो बार बार बाहर जाने का प्रयास कर रहा था, तो अभी देखता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, जो कि हमें दिखाई दे गई है, तो देखिए दोस्तों इस ड्रम के जो कि बैक साइड है, तो अभी मैं इसे रेस्क्यू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ बैठा हुआ है, तो काफी शांत स्वभाव से ये बैठा हुआ है, और इसकी फुर्ती है जो कि काफी तेज होती है, और ये भागने में बहुत तेज होता है, तो इसे मैं रेस्क्यू कर लेता हूँ। तो ये कहीं भागे ना, तो देखिए थोड़ा सा जो कि रिस्क है, ये भागेगा, ये मेरे को पक्का कंफर्म है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि यदि इसको रेस्क्यू किया जाए। देखिए दोस्तों, इसने जो अपना यहाँ बिल बनाया हुआ है, इसके अंदर चला गया है। थोड़ा सा हमें पाइप से पाइप को थोड़ा सा, देखिए अंदर की तरफ चला गया, और इसकी पकड़ होती है जो काफ़ी मजबूत होती है, तो देखिए इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो पैरों की पकड़ होती है बहुत मजबूत है। तो देखिए दोस्तों, पुराने टाइम में बोलते हैं कि चोर इसे जो कि हवेलियों के ऊपर चढ़ने के लिए इसको यूज किया करते थे, क्योंकि मॉनिटर बड़ी होती थी। तो देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है इसे बाहर निकालना, और इसकी जो पकड़ है काफ़ी मजबूत होती है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं रेस्क्यू कर लिया, चलते हैं बाहर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये एक मॉनिटर लिजर्ड का बच्चा है, जिसे हमारे देसी भाषा में ब्लैक रंग का गोरा बोलते हैं। बोलते हैं कि इसके काटने से इंसान की पल भर में मौत हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ एक भ्रांति है, तो इसके काटने से कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये काट भी लेता किसी इंसान को तो आप घबराए ना, और इसके दांतों के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होती है, तो उसी से थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जैसे कि एलर्जी होना और उल्टी आने, चक्कर आने, तो ऐसी दिक्कतें हो सकती है। तो इन जीवों को बेजबान जीव है, तो इनको आप ना मारें, और हम भी इनको लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, धन्यवाद। तो देखिए, वैसे तो ये काट लेता है, इसके दांत है जो कि छोटे छोटे, आरी का ब्लेड है, तो उसी प्रकार छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक दांत होते हैं। तो देखिए किस प्रकार इसने मेरे ग्लव्स को पकड़ रखा है। अगर कोई बंदा कहता है कि इसके काटने से लगा कोई हो चाहिए जमींदार में, तो देखिए बोलते हैं कि इसके काटने से इंसान की पल भर में मौत हो जाती है, और हमारे बागड़ी भाषा में जो कि कहावत है, बोलते हैं कि इसके काटा पानी भी नहीं मांगता, और दूसरी कहावत है जो कि इसके काटने के बाद कहते हैं कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो ऐसी कहावतों से आप बाहर निकलें,
और अगर कोई बंदा कहता है कि इसके काटने से इंसान की मौत हो सकती है तो मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अगर ये काट भी ले तो आप घबराए ना, उसके दांत तोड़ रखे हो, जुबारी तोड़ रखी होनी। दूर रह बात कर उसको मेरे दांत ये हुआ है, कोई अठा दांत को नहीं हुआ, किंगे दांत हुआ है जेर हो कटा हुआ भाई साहब है, जेर आरा दांत सांप का हुआ है, इन जेर हो ही को नहीं मैं लेकिन नांगले करो था मेरे ऊपर जो दांत है को नहीं, फिर कोई पोड़ ना जाए मैं और मैं ये रिस्क हूँ डर तो मैं कभी को ना जाए बैंक मारे डा नहीं बैंक मारे डा देखो ऐसे ये कौन दांत है गोयर है ओके है ए मेरे सामने ये कौन पड़े दांत है ना लेने दारू पी के इसे रिस्क ले करो कई बार नुकसान हो जाएगा रे देखो अठ दांत हुआ अठ किंगा दांत हुआ अठ किंगा दिखिया था दांत कभी देखिया दांत अठ गोयर है कड़क दांत हुआ ये इस घाट का ही हुआ है हाँ देखिया ये दोबारे भी तो बैठा ऊपर है ओ खा जी हर आदमी को अलग अलग सिस्टम हो जो कोई खेती को काम जाना है तो वो खेती में एक्सपर्ट है, कोई गाड़ी चला जाना तो भी मैं एक्सपर्ट है, मैं ये पकड़ा जाना माना हम बेरो भी कितनों को जेर है कितनों को नहीं है तो मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। यदि मैं कहा मारी नकल ना करो, कोई बंदा ही नकल ना करो, सही बात, कोई गाड़ी घोड़ा चलाओ, कोई हाथी घोड़ा काबू करे, कोई आना भी काबू करे तो मानस बड़े है, कोई चीज को नहीं है बड़ी, यानी मानस सारू बड़ो है धरती पर कन नहीं आ गया ऊपर पड़ गया तो खा गया तो कबन अब आ मान ले अपने बुजुर्ग ने कहावत है कि मान ले वो तो कमरे ऊपर ही ना पड़ी पैक कर देता हूँ और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें, नकल करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके घरों में से सांप गो गोयरा कोई भी जानवर निकल जाए तो आपके नजदीकी स्नेक रेस्क्यू टीम हो तो उन्हीं को बुलवा के आप स्नेक या इन जानवरों को रेस्क्यू करवाए ताकि इन जानवरों को भी कोई नुकसान ना हो और आपको भी कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा यूट्यूब चैनल है स्नेकमैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ के बारे में आपको अधिक जानकारियाँ मिल सके और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ को अधिक से अधिक जा सको। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।